नवरात्रि का पहले दिन में उन्नाव के अन्नपूर्णा देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की दिखी भीड़। उन्नाव प्रीतम सिंह। खबर उन्नाव से है, जहां नवरात्रि के प्रथम दिन स्थित प्राचीन अन्नपूर्णा मंदिर में भोर पहर से ही श्रद्धालु पट खुलने का इंतजार करते रहे। पट खुलते ही श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए, वही घरों में विधि विधान से पूजा अर्चना की गई। लोगों ने उपवास रहकर माता की आराधना करते हुए दुर्गा सप्तशती का पाठ किया। आदिशक्ति माँ दुर्गा के नौ रूपों के पूजन का विधि विधान से नवरात्रि के रूप में किया जाता है। इन नौ रूपों में भक्त शैलपुत्र, ब्रह्मचारिणी चंद्रघंटा, कुष्मांडा, अस्खंड माता, माँ कात्यायनी, कालरात्रि महागौरी और सिद्धिदात्री के रूप में पूजन अर्चन कर अपनी मनोकामनाएं माँ के चरणों में निवेदित करते हैं। क्षेत्र में होने वाले हवन पूजन और उठने वाली सुगंध से सारा क्षेत्र भक्तिमय हो जाता है। विकास सिंह, नवरात्र चालू हो गए हैं, किस तरह से पूजा अर्चना होगी और पूरा क्या है? पूजा अर्चना बहुत धूमधाम से होगी और नवरात्रि में भक्तों की बहुत भीड़ लगती है, यहाँ पर श्रद्धालु बहुत आते हैं और सब नियम के हिसाब से ही काम होता है यहाँ पर। पुलिस प्रशासन है और किस तरह से का इतिहास है, इसका क्या मान्यता है? ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है और ये जो है अन्नपूर्णा नाम से धाम है, यहाँ पर ये नखलऊ बाईपास पे स्थित है और यहाँ पर श्रद्धालु, भक्त, पुलिस सभी हर प्रकार की व्यवस्थाएँ हैं यहाँ पर व्यवस्था के लिए। देवशंकर शुक्ला। ये आज से सुबह 6:11 से 7:51 तक का मुहूर्त था। दूसरा मुहूर्त 11:35 से 12:23 तक है। ये कलश स्थापना का समय शुभ मुहूर्त है। तो कितने दिन नवरात्र के होंगे और जो कब नवरात्र है, कब मतलब? ये नवरात्र जो पूरे नवरात्र रहता है उसको नवमी तिथि तक रहना चाहिए। ये इसलिए नवरात्र नौ पड़ रहे हैं और दशमी को पारण प्रातःकाल किया जाएगा। क्या कुछ विशेष इस बार है नवरात्रों में जो मनाया? ये हर साल की भांति इस वर्ष भी मनोकामनाएं जो भक्त लेकर के आते हैं इस दरबार में, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं।